टेक्निक सत्र शुरू होते ही पुलिस विभाग भी स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरत रहा है। इसके तहत ही जिले की स्कूल बसों में ओवरलोड सहित अनियमितताओं की शिकायत के बाद यातायात के नवागत प्रभारी ने गुरुवार को स्कूल बसों की जांच का अभियान चलाया। अभियान के दौरान उप निरीक्षक नवाब अली ने स्कूल की 6 बसों को रोक कर उनकी जाँच की। जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि इम्पीरियल स्कूल की बसों में न तो फर्स्ट एड बॉक्स था और न ही गाड़ी के कागजात, जिसके चलते उप निरीक्षक ने बस चालकों को समझाइश देकर रवाना किया। ये नया शिक्षा सत्र चालू हो गया, स्कूलें चालू हो गई है, तो स्कूल बसों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें बच्चे जो ओवरलोड लेके तो नहीं जा रहे हैं, उसमें फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, फिटनेस है कि नहीं, अग्निशमन यंत्र है कि नहीं, ये सब पूरी बसों की कार्रवाई, चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। आज जय स्तंभ चौराहे पे हमारे द्वारा 4-5 बसों को रोक के उन पर कार्रवाई की गई है, चेकिंग की गई है, जो करीब करीब पूरी पाई गई है।